खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो उठा के देखिए 2014 का, पिछले 70 सालों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कांग्रेस के लोग कहते आ रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, किसने गरीबी हटा दी? ये बात करते हैं 72,000 रुपए पर मंथ देंगे, पर ईयर देंगे, इनके आंकड़े फिक्स नहीं है। इन्होंने आज तक जो काम 65 साल में नहीं करा, बताइए, जवाब दीजिए। गरीबी 5 साल में हटी है, 5 साल में गरीब मर्सिडीज में घूम रहे हैं, देखिएगा 5 साल में गरीब जो है पाकिस्तान में खाना खा रहे हैं। देखिए, 5 साल में गरीबी हटी है। देखिए, इनके जो नेता हैं, चाहे वो जिले स्तर पर हों चाहे राष्ट्र स्तर पर हों, ये एक तकिया कलाम इनका हो गया है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, मोदी जी जिस मन की बात कंप्यूटर पे और मोबाइल पे करते हैं वो कांग्रेस की देन है। अमित शाह जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के आए थे, सर कंप्यूटर ले आए राजीव गांधी, मैं सर झुकाकर नमन कर देती हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया, 18 साल के ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया, हाथ जोड़ के हिंदुस्तान थैंक यू कहता है, पर ये बताइए गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? देखिए, आप देखिए गरीबी के जो गरीबों की गरीबों के जो आज भी आपको ये कहना पड़ता है कि 20% 5 करोड़ परिवार को हम लोग जो है वो 72,000 सालाना देंगे, आज भी ये कहना पड़ जाता है सर आपको। आप ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। नहीं, मोदी जी ने 1,47,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफिया दिया। मोदी जी ने देश के चुनिंदा 1,47,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया। राहुल जी चिल्लाते रहे संसद में कि किसानों का कर्जा माफ करिए, और आज चुनाव है तो 2,000 रुपए का लालच दे रहे हैं किसानों को। मेरे केवल दो प्रश्न हैं, कोई भी बता दे। मोदी जी ने अभी अभी नया आविष्कार किया था, नाले की गैस से चाय बनाना, देश कहाँ तक पहुँचा है बताए। दूसरा प्रश्न है ये कि कहाँ से पता लगा आपको नाले की गैस का? कुछ बताया है कहाँ सर? ये मन की बात में बताया है। आपके मोबाइल फोन में, ये मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप है ना सर, ये जो व्हाट्सएप है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्रेडिबिलिटी पर, क्रेडिबिलिटी भी कोई नाम की चीज हो। दूसरा प्रश्न, गूगल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चीज है, जिसमें कुछ भी खोजो वो बता देता है, सही है राइटर नहीं है? हम उसमें फेंकू खोजते हैं तो मोदी को आता है सर। उसमें कुछ और खोजने की कभी कोशिश की है? कुछ और खोजने की कोशिश की है? हम अगर छोड़ दीजिए, आप कहाँ से कहाँ बात करें। एक्चुअली देखिए, डेवलपमेंट की आपने बात करी, ठीक है ना, आप यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करिए। 15 साल इनके विधायक रहे, क्या किया? अब हेमा मालिनी की बात आपने कहा था, डेवलपमेंट, रेलवे स्टेशन, मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन, ब्रॉडगेज, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हाउस लोन योजना, ये सारी योजना का। और सबसे बड़ी बात, राशन कार्ड पे POS मशीन आने से, क्योंकि अधिकतर यहाँ के जो राशन कार्ड धारक है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज चोरी रुक गई। POS मशीन लगाइए आधार बेस, जब आपको राशन मिलता है। पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी चलती थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ये कांग्रेस ने चलाई थी, अब उसको दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया तो अब वो बीजेपी की हो गई, पर चलाई तो कांग्रेस ने थी। कांग्रेस के शासन में बिजली आती कहाँ थी? ये तो भाजपा के शासन में 22 घंटे बिजली आ रही है। जवाब दीजिए सर। देखिए, इनका कोई भी विकास कार्य, एक सेकंड रुक जाए, आप
आपके मथुरा में आई हूँ, आपके मुद्दों पर चर्चा करनी है भाई साहब। भाई साहब बस इतने नाम से रुक जाएंगे, एक सेकंड। मोदी जी ने 2014 में जो उनका मैनिफेस्टो है, दो करोड़ नौकरी देश के नौजवानों को देने का वायदा किया था, 15 लाख रुपए काला धन वापस लाकर 15 लाख खाते में जमा करने की बात की थी इन्होंने। मुझे नहीं मालूम मेरे किसानों को 2.5 गुना मूल्य का उनकी खेती का उपज देने की बात की थी। मोदी जी ने 15 लाख रुपए लाने की बात कही थी देने की। रही बात रोजगार की, तो डायरेक्ट रोजगार की बात करते हैं, इंडायरेक्ट रोजगार की बात करते हैं। मैं मथुरा की जनता से पूछना चाहती हूँ, और ये जनता पोल होगा, आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो विकास का मुद्दा अहम होगा, कितने मानते हाथ ऊंचा करें? कितने लोग रोजगार पर नौकरी और वोट करने जाएंगे, हाथ ऊंचा करें? रोजगार रोजगार ये क्या है? 69,000 शिक्षक सरकार डबल बेंच में जाए और भर्ती पूरी करें। हाँ क्योंकि आप वहां से यहां आ गए, ऐसा है, हम 69,000 शिक्षक भर्ती से 6 जनवरी को उसका एग्जाम हुआ था, तो सरकार ने 90-97 कट ऑफ लगाई थी, तो यानी कि सवाल किससे आप है? सवाल मेरा यानी कि सवाल जो है बीजेपी से, कि बीजेपी गवर्नमेंट से है कि वो डबल बेंच कब जाएगी, यानी कि जो सिंगल बेंच ने 40-45। मोदी जी को युवाओं को पर बहुत भरोसा है, ये एक युवा यहाँ पर बड़ी बड़ी शीट लेकर आपसे सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल सीधे जवाब दीजिए आप। इनकी शीट भी दिख रही है, युवा भी दिख रहे हैं, लेकिन आप उन युवाओं को भी देखिए जिनको लाखों 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा योजना से लोन मिला। आप उन युवाओं को देखिए जिनको स्टार्टअप योजना के तहत लोन मिला। आप उन योजनाओं को देखिए, युवाओं को देखिए जिनको स्टैंड अप योजना के तहत लोन मिला। मैडम 176 जवाब है कि नहीं है सर आपके पास? 76 मोबाइल फैक्ट्रिया है देश में खोली मोदी जी, है कि नहीं है आपके पास? इनकी भी सुनी जाएगी, जो जरूरी कार्य होगा वो सब किया जाएगा। अरे कब सुनी जाएगी? 2070 में कब सुनेंगे आप इनकी? बिल्कुल सुनी जाएगी, जब जो नियम काम सरकार ने किया है। मैं युवाओं को बहकाने का काम किया, उनकी भावनाओं से खेलने का काम सरकार ने किया है। ये युवाओं को पकड़ बनवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार रोजगार की बात कर, रोजगार तो कहाँ है? इनके प्लान ऑफ एक्शन है, अखिलेश यादव के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे नौकरियाँ देंगे वो, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अखिलेश यादव के समय में बहुत ज्यादा नौकरियाँ निकली है, अखिलेश यादव ने पूरे रूपए का विकास की रोजगार बीजेपी की है मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है योगी सरकार से कि जो उन्होंने 90-97 कट ऑफ लगाई है उसे यानी कि फेवर करने के लिए जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर आया है जिससे कि 4.5 लाख लोग बीटीसी बीएड जो योग्य है 120 नंबर लाकर जो यानी कि अभ्यर्थी नौकरी नहीं पा रहे हैं और जो 60 नंबर पाने वाला शिक्षा मित्र वो नौकरी पा जाएगा। मैडम योग्यता के साथ ये अन्याय हो रहा है, योग्यता का हनन हो रहा है, तो योगी सरकार एक सेकेंड अखिलेश सरकार ने मैं आपको इसके संदर्भ में बता दूं नौकरियां दी एक शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया, शिक्षा मित्र जो है आपको कगार पे आके चुके हैं। मैं देश को, उत्तर प्रदेश की जनता को, देश को बताना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक भाइयों ने ये मुद्दा जो उठाया है ये बिल्कुल वाजिब है। योगी जी भ्रमित हैं, अभी जो ये कट ऑफ लिस्ट लगाई गई थी उसके 6 महीने पहले एक और कट ऑफ लिस्ट लगाई गई थी जिस जो परसेंटेज थी 40 और 45, और ये दूसरी कट ऑफ लिस्ट 60% पर लगाई गई है। ये भ्रमित हैं मुख्यमंत्री योगी, ठीक है, भ्रमित होकर के कार्य कर रहे हैं, भ्रमित हैं। मैं तो अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र गलत है, आप गलत हैं सर, आप मुद्दे को सर आप गलत हैं, पता है सर आप गलत हैं, सर आप गलत हैं, आप पूरे मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो दूसरी भर्ती थी, ये 90-97 कट ऑफ पर जो है यानी कि योगी जी ने लगाई, ये सर कट ऑफ नहीं है, ये पासिंग मार्क्स है, इसी से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। उसमें क्या है, वो लिखित परीक्षा थी, ये आपको मुद्दा तो समझ में आता नहीं है। योजना है मोदी, घोषणा पत्र पहले की भर्ती है, दूसरा कोई उससे पहले की भर्ती है जिसको समझ में आती है, मोदी हटाओ वो है हिंदू मुसलमान, इस पर तो बड़े बड़े बयान दे देते हैं,
नौकरियों के लिए आपके पास कोई बयान नहीं, उन बच्चों की रोजगार के लिए कोई बेरोजगार है, पट्टा तो आपने कांग्रेस का बांध रखा है। 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ हाँ, और आप कह रहे हैं बेरोजगार है। हाँ मैडम, देखो मैडम, हेमा मालिनी बोलती हैं कि यहाँ ये करेंगे, घाट साफ होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, निरे झूठे बाती करते हैं मैडम हेमा मालिनी। तो आपको लगता है महेश पाठक पूरा कर लेंगे? हाँ मैडम, हमको विश्वास है, हमको विश्वास है और हमको पूरा विश्वास है। 15 साल अब मैडम ये तो हम, अरे वजह तो होगी ना कुछ, महेश जी ने आपके घर का कोई काम किया हो, कम्युनिटी का कोई काम किया हो। बहुत किया है। क्या क्या किया है? जुलूस वुलूस में गए हो, वो जो वहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनका अगर कोई उनकी मदद वदत कर दी हो, कैसे पता आपको कि महेश पाठक वह कर लेंगे जो हेमा मालिनी नहीं कर पाए? उनको विश्वास है, हमारी समाज के वो नाग है, वो हमारा यही तो प्रॉब्लम है, देश की जनता की यही तो प्रॉब्लम है। सिर्फ दिल की सुनती है, दिमाग की नहीं सुनती है।